अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजी माजी रफी ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त मुबारक 2021 का जो इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, आपका बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज मैं हम लोग के लिए 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत ही आसान तरीन कोकोनट और बनाना के साथ जो है एक जो मिल्कशेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। बनाना बहुत आसान है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगस्त के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होती है, तो ये जो ड्रिंक आपको राहत देगी, आपको सुकून देगी, हाइड्रेटेड रखेगी, तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलें दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत ही स्पेशल किस्म की ड्रिंक। दोस्तों बहुत मज़ेदार 14 अगस्त के हवाले से जो हमने कोकोनट और बनाना के साथ ड्रिंक बनानी है, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 इंच का जो है जो ड्राई नारियल होता है उसका एक पीस लेके उसे मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको ये फ्रेश मिले जिसे कच्ची करी कहते हैं तो आप वो ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आधा घंटे के लिए आपने 2 इंच का जो टुकड़ा है जो नारियल का है उसे भिगो कर रख देना है। और मैंने इसे पीछे से इसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो छुरी के साथ काट लिया था, तो आपने वो लाजमी काटना है। दोस्तों 2 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए चीनी, और 2 मैंने यहाँ पर केले काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे क्यूब में मैंने काट लिए। और दोस्तों 2 टेबल स्पून मैंने भर के जो है खुश्क दूध लिए, मिल्क पाउडर, ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है उसके लिए हम 3 से 4 जो पिंच जो है ग्रीन फूड कलर यूज़ करेंगे। अच्छी क्वालिटी का आपने लेना, ये लज़त कंपनी का है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए आइस क्यूब 3 से 4 हमें चाहिए, जितना आप ठंडा पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों स्पेशल 14 अगस्त की जो है ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्लेंडर ले लिया, यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर 2 इंच का जो हमने पीस जो भिगो के रखा हो तो ये शामिल करेंगे, बनाना शामिल करेंगे, शुगर शामिल करेंगे और मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून भर के। और दोस्तों जितना ठंडा आपको पसंद है उस हिसाब से हम इसके अंदर आइस क्यूब शामिल करेंगे, मैं 4 के करीब शामिल कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके अंदर 1/2 ग्लास के करीब मैं आइस कोल्ड जो वाटर शामिल कर रहा हूँ, तो मैंने मिल्क पाउडर वैसे यूज़ किया है। और दोस्तों मिल्क पाउडर की जगह 250 मिलीलीटर यानी 1 पाव के करीब जो है खालिश जो है दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मिल्क पाउडर इसके लिए यूज़ करूँगा, ज़रा प्योर होता है, तो इसके अंदर हम 1/2 ग्लास के करीब पानी शामिल कर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसे ब्लेंड करते हैं और फिर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसी तरह आपने फॉलो अप करने से। चलिए दोस्तों जो हमने कोकोनट शामिल किया है, चीनी शामिल किया है, बर्फ़ शामिल किया है, मिल्क पाउडर शामिल किया है और वाटर शामिल किया है, इसे ब्लेंड करते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। चलिए दोस्तों ये हो गया, अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो है वाइट पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करके इसे फिर दोबारा ब्लेंड करेंगे और ये हमने क्यूब प्रोसेस करना है। चलिए दोस्तों इसके अंदर हम वाइट पार्ट जो है शामिल करते हैं, हमने ये 1/4 के करीब जो है डालना है ग्लास के अंदर। इसे साइड पे कर दें। दोस्तों अब इसी मिल्क शेक के अंदर हम जो है ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे, 1 चुटकी 2 3 4। अब इसे मैं दोबारा फटाफट ब्लेंड करता हूँ, हम इसे ब्लेंड करते हैं। 1 से 2 मिनट हमने जस्ट ब्लेंड करना है, इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ। चलें दोस्तों जो ग्रीन पार्ट भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया, अब हम इसे निकालते हैं उसी ग्लास के अंदर। चलें दोस्तों ग्रीन पार्ट भी रेडी है, तो अब हम इसके अंदर बहुत एहतियात के साथ डालेंगे, साइड से हम शुरू हो जाएंगे इस तरह। चलिए दोस्तों हमारा बहुत ही मज़ेदार इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त के हवाले से 2021 के हवाले से जो हमने बनाया है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तैयार है। दोस्तों ये बहुत ही मज़े का बनता है, मैंने पहले से ट्राई किया था, मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल तीन रेसिपी है।
तो इसे जो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि 14 अगस्त हमेशा ह्यूमिडिटी वाले मौसम में आता है, सख्त गर्मी होती है, पसीना बहुत टपकता है, तो उसके लिए केला और जो कोकोनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। जो कोकोनट जिसम को हाइड्रेटेड रखता है, प्यास बुझाता है, और इसमें जो बनाना है वो ठंडक देता है, जिसम को सुकून देता है, राहत देता है। तो बनाना के अंदर फॉलिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और तमाम किस्म के मिनरल्स और विटामिन होते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये जो एनर्जी ड्रिंक है, तो आप इसे 14 अगस्त में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, ये बहुत वो तारीफ करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक होता है, मज़े का होता है। तो चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 14 अगस्त के हवाले से सिंपल सी आसान तरीन जो मैंने आपको रेसिपी दी है पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को आप आम डेज में भी बना सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और इसे ज़रूर बनाना, मस्ट ट्राई है। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दें कि जिला फिर टेक केयर।